गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आर चैप्टर नंबर 6, हु आई एम, फ्रॉम योर हनीसकल टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट वीडियो वी हैव डन फर्स्ट 3 पर्सन्स, राधा, नासिर एंड रोहित। राधाज फेवरेट एक्टिविटीज क्लाइंबिंग ट्रीज, एंड आफ्टर क्लाइंबिंग ट्री शी फील्स लाइक she can rule the whole world. Next is Nasir. Nasir wants to be a seed collector and she wants to learn how to preserve the seeds. Next one is Rohit. Rohit wants to travel the world. And but in this paragraph I want to clear the meaning of coral. Coral means बहुत छोटे समुद्री जीवों की हड्डियों से बनने वाला हार्ड रेड वाइट और पिंक सब्सटेंस जो पदार्थ होता है, डैट इज कॉरल। नाउ द नेक्स्ट वन इज सरबजीत। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल माय टीचर दैट आई कुडंट डू हाउ माई होमवर्क बिकॉज रवि बोर्ड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और आई टेल माई पेरेंट्स डैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, और इफ आई टेल माई टीचर डैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट गुड बैड मार्क्स। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। द लुक ऑन देयर फेसिस रियली एंगर्स मी। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. Sarabjit says that he gets angry when people do not believe him when he speaks the truth. Sarabjit कहता है कि उसे बड़ा गुस्सा आता है जब लोग उस पर believe नहीं करते जब वो सच भी बोलता है। He gives the example. First example, if I tell my teachers that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. He said, his teachers thinks that he is telling a lie when he says that he could not do homework because Ravi borrowed his book. कहते जब वो कहता है कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया कि रवि ने मेरी जो बुक थी वो बोरो की थी, बोरो मीन्स उधार लेना, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और मुझे रिटर्न करना भूल गया इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया, तो तब टीचर मेरे पे बिलीव नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल, ही टेल्स हिज पेरेंट्स दैट इट इज़ हिज लिटल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। कहते जब मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि उसके लिटल ब्रदर ने फाइट शुरू की है, बट हिज पेरेंट्स ब्लेम हिम, फिर भी वो उसको ही ब्लेम करते हैं। इफ आई टेल माई टीचर्स, जब ही टेल्स हिज टीचर्स डैट कि ही रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन देन ही गॉट बैड मार्क्स, उसने टेस्ट के लिए पढ़ा था लेकिन फिर भी उसके बैड मार्क्स आ गए हैं। दे ऑल लुक एट हिम एज ही इज टेलिंग लाइज, जैसे वो झूठ बोल रहा है। हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स बिलीव हिम टू बी लाइंग व्हेन ही एक्चुअली स्पीक्स द ट्रूथ, एंड दिस मेक्स हिम एंग्री। And he has to make efforts to control his anger every time this happens. And he looks down at his shoes and count to 10 so that he can control his anger. Next is Dalma. When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that. But I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars.
Dolma wants to become the Prime Minister of India. But people always laugh when she says this. कि जब भी वो ये कहती है वो Prime Minister बनेगी तो लोग उस पर हंसते थे. She says that she is sure that and she will do it. She has qualities of leadership. उसमें कैसी क्वालिटीज़ की? लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी. एंड हर क्लासमेट्स कम टू हर व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, व्हेन दे हैव एनी प्रॉब्लम दे कम टू हर. एंड हर टीचर्स बिलीव हर. जो उसके टीचर्स थे वो भी उसके ऊपर ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल. जब कुछ भी स्कूल में करना होता था. एंड शी वॉन्ट्स टू हेल्प द कंट्री. क्या वो चाहती थी? व्हाट शी वॉन्ट? शी वॉन्ट्स टू हेल्प द कंट्री by making things better for everyone. And she wants to make the world a better place to live for everyone. She wants the country to have good hospitals, good roads, good schools. And she wants the Indian scientists to invent a cure for diseases. Cure means beta? इलाज. कि उनका वो जो जितनी भी बीमारी है उसके लिए इलाज को इन्वेंट करे. एंड शी सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स. स्पेसशिप मीन्स अ व्हीकल दैट इज डिजाइन टू ट्रेवल इन स्पेस. नेक्स्ट इज पीटर. माय फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ. ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म. My father gets the tickets in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. Peter's favorite day is second Sunday of every month. Because every month on this day, Peter's whole family always goes to see a film. To the cinema hall. And his father gets the tickets in advance. Advance means beforehand. For all. And Peter's all family members, his grandfather, his grandmother, his parents, his two brothers and he goes to cinema hall by bus. He loves eating peanuts while seeing a film. After the film, they eat ice creams and everyone is in good mood and feeling lucky for being such a happy family. Okay? Clear, beta? Thank you.